नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। आप देख रहे हैं पूछता है बिहार। यूं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना से लड़ते बिहार की हालात ठीक बता रहे हैं, लेकिन मजदूरों के पैदल पलायन, क्वारंटाइन सेंटरों का खस्ता हाल, प्रखंड स्तरीय चिकित्सालयों की दुर्गति और कोरोना के बढ़ते पॉजिटिव मरीजों की संख्या ने सरकार के दावों की पोल खोल दी है। बिहार में एक ओर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार इससे निपटने को लेकर तैयार होने का दावा कर रही है। कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या बिहार में किसी बड़ी महामारी से कम नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आपको याद दिला दूं कि गत वर्ष इसी माह में बिहार के मुजफ्फरपुर के SKMCH में मुजफ्फरपुर सहित आसपास के जिलों के लगभग 200 बच्चों ने चमकी बुखार से दम तोड़ दिया था। पूरा बिहार रो रहा था। लगभग 200 माताओं के गोद सूने हो गए थे। उसके मासूम की मौत चमकी बुखार यानी कि AES के वजह से हो गई थी। AES या फिर बोलचाल की भाषा में इसे कहें तो चमकी बुखार कमजोर और कुपोषित बच्चे को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी AES से बच्चों की मौत हुई है। तब का वाक्य आपको याद होगा कि मीडिया में लगातार खबरें छपने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासनी व्यवस्थाओं के दावों की किरकिरी उड़ने के बाद सीएम नीतीश कुमार SKMCH पहुंचे थे और हालातों का जायजा लिया था। इस वर्ष भी चमकी बुखार से पिछले 21 दिनों में बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में 20 से अधिक बच्चों की जान जा चुकी है, वहीं दर्जनों बच्चे इसके चपेट में हैं। मौसम के चलते ये पीड़ित बच्चों की संख्या भी लगातार बढ़ने लगी है। इससे स्वास्थ्य महकमे की बेचैनी और बढ़ गई है। अब डर सता रहा है कि कहीं कोरोना के इस महामारी के बीच बिहार में चमकी बुखार भी गंभीर तरह से दस्तक ना दे दे, वरना क्या होगा बिहार में। एक और जहां कोरोना से लगातार कहर जारी है, वहीं अगर चमकी बुखार भी पूरे बिहार में कहर बरपने लगा तो क्या होगा। पूछता है बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्या बिहार तैयार है कोरोना के बाद चमकी बुखार से लड़ने को। क्या नीतीश कुमार की सुशासनी सरकार इस बार भी बच्चों की वैसे ही मौत होने देगी जैसा कि पिछले वर्ष हुई थी। पूछता है बिहार कि क्या बिहार की नीतीश सरकार चमकी बुखार से लड़ने को है तैयार। आपकी क्या राय है हमें बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत और आप देखते रहिए टुडे बिहार न्यूज।